ओके सो फाइनली दिस वीडियो हैज अराइव्ड द वीडियो दैट यू वांटेड। ये वीडियो है सत्य प्रेम की कथा का बिजनेस एनालिसिस। यहाँ पर कार्तिक आर्यन के फैंस एकदम दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं और टेलीस्कोप लगा के बैठे हुए हैं। नंबर बताओ यार फटाफट, क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो। डे 4 का जो कलेक्शन है अभी तक 38 करोड़ रुपीज़ नेट आ चुका है, ठीक है? तो पहले तो ये फिगर दिमाग में टक करके डाल लो। नाडियावाला साहब ने जब ये बनाई थी तो 65 करोड़ रुपए की बनाई थी, 10 करोड़ रुपए लगा दिए मार्केटिंग के, 75 करोड़ रुपए की इसकी लैंडिंग बनी। तो प्री रिलीज बिजनेस कितना हुआ और जो जितना बिजनेस अभी तक हो रहा है वो कितना हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो नाडियावाले ने पहले बात तो ये पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दी पेन को, जिन्होंने करीबन करीबन 40 करोड़ रुपए की इसकी कीमत लगाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाडियावाला साहब के पास और भी पैसे कमाने के तरीके हैं। टीवी और म्यूजिक राइट्स कम से कम 20 करोड़ रुपए के गए हैं, जिसके अंदर अभी टी सीरीज का नाम सामने आ रहा है, जिसने म्यूजिक सारा रिलीज करा है, सारे गाने टी सीरीज पर रिलीज हुए। OTT जो है वो अमेजोन है, जिसमें 50 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने बिड लगा के जीत लिया है। तो इन्होंने 110 करोड़ रुपए टोटल कमा लिए प्री रिलीज बिजनेस पे। OTT के 50 करोड़ रुपए, टीवी और म्यूजिक के 20 करोड़ रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर जो पेन है उन्होंने करीबन 40 करोड़ रुपए इनको दिए। 110 करोड़ रुपए माइनस 75 75 करोड़ रुपीज़ इज इक्वल टू 35 करोड़ रुपीज़। इनके पास और कई जरिए होते हैं पैसे कमाने के, जैसे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें। तो कुल मिला के 50 करोड़ रुपए के आसपास नाडिया वालों को मिल जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40-45% ऑफ प्रॉफिट which is there on day one of the release. तो ये तो secure हो गए और next movie की तैयारी कर रहे हैं। बाकी पेन स्टूडियो को कम से कम 85 करोड़ रुपीस की इनकम करनी पड़ेगी, तब ये एक सेमी हिट सिचुएशन में आएगी। 90 के ऊपर ये हिट की सिचुएशन में आ जाएगी, 100 की अगर आ जाते हैं तो सुपर हिट की लीग के अंदर ये आनी शुरू हो जाएगी। तो ये था ब्यौरा, शॉर्ट में रखते हैं वीडियो। इस नंबर्स के ऊपर अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। और ये जो नंबर होते हैं 85, क्योंकि लगाए 40, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको कुछ पैसे अपने पास रखने होते हैं जो कलेक्शन आती है, और कुछ पैसे रखने होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, सिंगल स्क्रीन हो चाहे मल्टीप्लेक्स हो, मोटा मोटा उन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है वो बराबर ही होता है। बाकी जल्दी मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल यू नो व्हाट टू डू, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।